साथियों हजरात, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब के सब ठीक होंगे आपकी दुआ से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम चाले, मेरा नाम शहनाज अख्तर है और मैं रह रही हूँ जम्मू में। सो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है शहनाज व्लॉग। सो खुश आमदीद करती हूँ आपका। सुबह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, अभी दिन के 12:30 बज रहे हैं। तो मैं अभी काम कर रही हूँ यहाँ पे, देख सकते हैं आप। भैया आकर थोड़ा पास दिखाएगा, हाथों की काफ़ी बुरी कंडीशन हो गई। अभी थापा सर ने ग्लव्स भी ला के दिए हैं, तो बस स्ट्रगल चल रहा है। मौसमी काट रही हूँ, तो ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया था। भैया आपको थोड़ा दिखा देंगे कि आज क्या क्या है मेरी रेडी पे। मौसमी है, पाइनएप्पल है, तरबूज है, बस अभी मैंने वही 3 वैरायटियां रखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आगे आगे बढ़ेगा, कुछ बढ़ाएंगे। तो फिलहाल के लिए बस चल रहा है हमारा ये काम काज यहाँ पे। तो सोचा आप लोगों के साथ में दुआ सलाम कर दें। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है यार, मेरे चैनल को ना थोड़ा सब्सक्राइब कर दो। ईद तक तो मोनेटाइज करवा सकते हो ना। ईद तक आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, बस ईद तक मेरा चैनल मोनेटाइज करवा दो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि जो वॉच टाइम है ना वो ज़्यादा आए, ठीक है? तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है। बाकी महाराजा हरि सिंह पार्क के बिल्कुल सामने है मेरी रेडी, ये जो जीवल में अपना मतलब जेडियो पार्क भी जिसको कहते हैं वो है, वहाँ पे मेरी रेडी है। जिसको भी आना है, मैं अगर किसी की कॉल अटेंड नहीं कर पाती हूँ तो आपकी लोकेशन एक ही है, वो है महाराजा हरि सिंह पार्क। तो आप वहाँ पे आ सकते हो और फ्रेश जूस पी सकते हो। ये मशीन लगी हुई है यहाँ पे, आइस बॉक्स है, इसमें आइस वगैरह सब आपको फ्रेश मिलेगा। तो देखते आगे की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे, तब तक के लिए बाय। चौपान, हम उसी हरि सिंह पार्क के बाहर हैं, जहाँ के आपको ये बता दें कि हमारे साथ इस समय रामबन जिले से ताल्लुक रखने वाली एक खवातीन मौजूद है जिनका नाम शहनाज बानू है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनका जज्बा देखकर आप भी कहीं ना कहीं हैरान हो गए होंगे। आपने भी सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो जरूर देखी होगी। इन्होंने फ्रूट की रैली लगाकर अपनी जो है वो कमाई यानी कि अपना रोजगार जो है वो कमा रही है। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे और इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे और लोगों की तरफ से भी लगातार जो है इनको जो है वो सपोर्ट मिल रहा है। जी आपका बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक शेयर से स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं ना वो, अगर कुछ मर्तबा चाहिए, बोलिए हाँ, रुको, अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। क्योंकि ये शायर जो है ना, इसका मतलब क्या है वो अगर आप समझेंगे तो वो फील होगा। तो वही बात है, बोला था आपने, वो भी बोला। वो तो फिर मेरे उन लोगों के लिए, उन रिश्तेदारों के लिए है कि जिन्होंने ठुकराया मुझे मेरा वक्त देखकर। एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगी कि मिलना पड़ेगा आपको मुझे मेरा वक्त लेकर। ये उन मेरे रिश्तेदारों के लिए जिन्होंने मुझे काफी ठोकरें दी हैं। ये आपने रिश्तेदारों ने किस तरह की ठोकरें दी? बस हमारे रिश्तेदार हैं कुछ ऐसे जो इंसान को आगे बढ़ने से पीछे खींचते हैं, जिन्होंने मुझे इस हाल तक पहुंचाया है। ये उनके लिए, बस वो समझ जाएंगे किन के लिए है ये, अगर वो वीडियो देखते वो समझ जाएंगे। आपकी शादी कब हुई, अलग क्यों हुई है बच्चे? बस ऐसे ही, आपको पता ही है आजकल का टाइम कैसा है, लड़ाई झगड़े ये वो सारा कुछ होता है। तो नहीं लगी बरासरी छोड़ दिया। जब से आपकी वीडियोस वायरल हो, नहीं मैंने ऐसा तो कभी सोचा नहीं था, ना मुझे ये था कि मुझे मीडिया में जाना है या मीडिया के सामने जाना है। मैं तो अपना काम करने आई थी यहाँ पे, मुझे पता भी नहीं था मीडिया कहाँ से आई। मैं ऐसे ही अपना काम कर रही थी, कुछ सर आए यहाँ पे, उन्होंने कवरेज किया और उसके बाद तो फिर मीडिया की लाइन अभी तक लगी हुई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया है मीडिया का जो यहाँ पे आए, वो जो भी मेरी मदद कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का। कई लोग आपकी जो है मदद करना चाहते हैं, कोर्ट में पैसा डालना चाहते हैं, बहुत सारे आपको कमेंट भी आ रहे हैं। कमेंट तो आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने, एक सर ने ना उनको दिया था अकाउंट नंबर, उन्होंने मेरा वो डाल दिया मोबाइल नंबर। लेकिन अब मुझे ऐसे ही लोग तंग कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि मुझे तंग कर रहे हैं फ़ोन करके, अजीब अजीब हरकतें, अजीब अजीब। अच्छा अब मैं क्या करूँ, मैं काम करूँ या मैं फ़ोन उठाऊँ? मैंने बोला ना मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए, मुझे पता आजकल के टाइम में कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। हाँ मुझे जम्मू वाले लोगों से यहाँ पे ये उम्मीद है कि वो बेचारे आएंगे यहाँ पे जूस खरीदेंगे, मेरे लिए वही बहुत है। लेकिन अब के मेरा नंबर एक गया है वीडियो में, वो लोग मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे फ़ोन ना करो, आपकी सारी डिटेल है मेरे पास, हर नंबर की रिकॉर्डिंग है मेरे पास में जिन लोगों ने बदतमीजी की है। तो मैं मतलब उन लोगों में से नहीं हूँ, अगर आप दोबारा फ़ोन करोगे तो मैं मीडिया में आपका सारा बायोडाटा दे दूँगी।
कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे ख्वातीन हैं वो इस तरीके की ज़िंदगी पे बसर करते हैं ताकि वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। आपने जो है ऐसा कदम उठाया तो क्या कुछ नहीं सर? देखिए ये इंडिपेंडेंट लाइफ है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी चाहिए। तो जिनको इस काम से शर्म आती है तो फिर मुझे लगता है वो सारी उम्र शर्माते रहेंगे, क्योंकि उनको मेहनत करना आता ही नहीं है। जिसको मेहनत करना आता है ना वो शर्माएगा नहीं, वो बाहर निकलेगा। घर वालों के ताने सुनने से, लोगों के ताने सुनने से अच्छा है कि इंडिपेंडेंट रहो और अपनी लाइफ जियो अपने हिसाब से, मगर अच्छे काम करके, ना कि बुरे काम करके। तो अभी किस तरीके का काम चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है फिलहाल ठीक चल रहा है मेरा, अपना मतलब अपना दाल रोटी के लिए बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आने वाले वक्त में क्या हमें ऐसा भी लग रहा है कि जब हम ऐसे स्टूडेंट करते हैं इतना सपोर्ट मिल जाता है और उसके बाद दूसरा कारोबार स्टार्ट करें? अभी फ़िलहाल मैंने किसी ऐसे बिजनेस के लिए सोचा तो नहीं है, क्योंकि वो फिर बोलते ना दिल कहता है मैं सब कुछ खरीद लूँ, जेब कहता है कि बस करो बकवास मत करो। सही बात है। तो वो मैं अभी कहना नहीं चाहूँगी, अल्लाह का एहसान है अगर ऐसा कुछ हुआ फ्यूचर में तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर वहाँ पे लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे वो चल जाए तो इंशाल्लाह फिर हो सकता है, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा। क्या नाम है यूट्यूब चैनल का? नाम है शहनाज ब्लॉग्स और इंस्टा पे आईडी है मेरी शहनाज अख्तर के नाम की। आप उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे जो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे और उन दिनों में आपका साथ नहीं दिया? मेरा साथ तो खुदा के सिवा किसी ने नहीं दिया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा साथ उसने दिया, इसने दिया, किसी ने भी नहीं दिया। खुद इंडिपेंडेंट रह रही हूँ, बस लोगों को कहूँगी कि बस खुश रहो। मैं और किसी के लिए कोई बुरा अल्फाज नहीं निकालना चाहती हूँ अपने मुँह से, क्योंकि मेरे को अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह से मुलाकात एक दिन होनी है। तो मुझे वो सवाल करेंगे अगर मुश्किल मैंने दी थी तो आपने किसी को टारगेट क्यों किया। इस टाइम पे फोन आ रहे, कुछ लोग ऐसे यहाँ पे आके बोलने लगे, मन तो किया था उस टाइम मैं क्या करूँ उनका, लेकिन मैंने सोचा दफा करो, उनकी जो औकात थी उन्होंने दिखा दी, कोई बात नहीं। लेकिन शादी मुझे जब करनी होगी, ऐसी बात थोड़ी ना है कोई कि मतलब मेरे साथ कोई शादी नहीं करेगा या कुछ। अच्छे रिश्ते भी होते हैं दुनिया में, लेकिन मुझे नहीं करनी शादी जी। जी मुझे अपना इंडिपेंडेंट लाइफ अच्छी है, मुझे नहीं किसी के साथ। मेरे घर में डैडी है मेरे और मेरी छोटी बहन है एक, और बाकियों की शादी हो गई है और दो भाई है मेरे। तो बाप का कितना सपोर्ट है? बाप क्या सपोर्ट करेंगे जी, वो बेचारे खुद बीमार है, बुजुर्ग है, वो उसको इस टाइम पे मेरी सपोर्ट चाहिए, वो क्या सपोर्ट करेंगे बेचारे। उनकी किडनी डैमेज है, एक साइड पूरा मतलब रह गया है, उसको मेरी सपोर्ट चाहिए इस टाइम, उसको मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है, वो क्या सपोर्ट करेंगे। रिश्तेदार तो मेरे को देख के राजी नहीं है, वो मेरा खून पीने के लिए तैयार है, मेरे मामू हैं, अगर मैं उनको मिल जाऊंगी ना खून मेरा पी लेंगे वो, साथ बात की दूर की बात है। ऐसा क्या किया उसने? पता नहीं मामू वालों को क्यों नफरत है हमें, हमारे साथ में मुझे ये पता नहीं। मेरी मम्मा की डेथ हुई थी तो तब से उन्होंने कभी हमारे सर पे आके हाथ भी नहीं रखा था कि बेटा कोई बात नहीं, अगर माँ नहीं है हम हैं, तो कभी नहीं, हमें कोई उम्मीद ही नहीं है मामू लोगों से। ये जो शादी हुई है ये रिश्ते में हुई थी? जी जी मेरे मामू के घर में हुई थी। ये वो ख्वातीन हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से जो है वो फिलहाल जो है, हम सब लोगों की बहनें, तमाम उन लोगों की बहनें जो यहाँ पर इनकी मदद कर रहे हैं या इनकी मदद के लिए आ रहे हैं। शहनाज बाजी का काम जो है अब ठीक चल रहा है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि अमित कपूर जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, आइस बॉक्स लेकर आए हैं शहनाज जी के लिए। और सबसे पहले जो है मैं इन्हीं से बात करूंगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए इनसे बात नहीं की, तो शहनाज जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल बढ़िया हूँ मैम, माशाल्लाह। आपने तो हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखा है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्योंकि कस्टमर ऐसे भागने नहीं चाहिए, बोलेंगे पता नहीं साफ सफाई है या नहीं है, इसीलिए मैंने मतलब थोड़ा अपना वो रखा हुआ है। अच्छा, आपने एक शेर कहा था जो काफी ज्यादा फेमस हो रहा है, वो बताएंगे आप क्या शेर? याद ही नहीं रहा कौन सा शेर था उसके बारे में आपको याद, लेकिन मुझे बताइए आज अमित कपूर जी यहाँ पर आए हैं आपके लिए, आपकी मदद करने आइस बॉक्स लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत सर का शुक्रिया है कि वो आए हैं यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया सर का। काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है लोगों की, परसों भी एक सर आए थे छादा दे के गए थे, कल कुछ भैया आए थे, चलो उन्होंने तो अपना नाम बताने से मना करा हुआ है, लेकिन काफ़ी हेल्प कर रहे हैं लोग। एक सर आए थे उन्होंने टूल ला के दिया था, डस्टबिन बाल्टी, एक भैया आया था उसने डिस्पोजल ला के दिए थे, अभी सर आए वो
एक वो आइस बॉक्स लेके आए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और थापा सर भी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे आइस भी वो भेज रहे हैं, मेरा लंच बॉक्स भी वो भेज रहे हैं, तो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं वो मेरी। अच्छा अमित जी, जब आपने इस बहन का वीडियो देखा, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी क्या महसूस हुआ आपको? देखो सबसे पहले इस बात की खुशी है, हमारी बहन जो है वो रामबन की रहने वाली है, और जो मैंने स्टोरी देखी, खैर मैं यहाँ पे नहीं था, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, स्टोरी देखी आपके चैनल पे, मैंने स्टोरी को देखा और मैंने तकरीबन आपको कॉल की कि मुझसे जो भी मेरे को हो पाएगा मैं मदद करूँगा। लेकिन सबसे मेन है हमारे जम्मू के अंदर इतना प्यार है लोगों के अंदर, इतने सपोर्टिव लोग हैं कि हमारी बहन इतने दूर से आई हुई है, उसको प्रॉपर इन्होंने सपोर्ट किया। जैसे इन्होंने नाम लिया है, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, पापा साहब आए हैं या और लोग जितने भी आए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इसी तरीके से आगे भी इनको सपोर्ट वगैरह किया जाए। और हम जैसे ऑलरेडी पहले भी हम जो है समाज के लिए काम करते हैं, हम अपनी बहन के लिए, हमें जो अच्छे पूछा इन्होंने कहा हमें आइस बॉक्स वगैरह की ज़रूरत थी, तो हमने इनको आइस बॉक्स वगैरह दिया। हम आगे के लिए भी इनको इंश्योर करते हैं कि कभी भी इनको फ्यूचर के बीच में यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो तो हम 100% इनके साथ हैं। आप मानते हैं कि महिलाओं के लिए कोई काम छोटा बड़ा होता है? कोई नहीं होता। आप देखो आपके सामने ये जीती जाती एक मिसाल है, और ये मिसाल जो है ये हर एक लड़की, हर एक बहन, हर एक के लिए होनी चाहिए। कि कुछ लोग जो अपने घरों के अंदर बैठे हैं और वो ये कहते हैं कि हम लोग काम नहीं कर सकते इतनी गर्मी के अंदर, अगर यहाँ आके एक जुनून है, एक जज्बा है उनके अंदर। आप देखो कैसे फ्रूट अपने कट कर रहे हैं, अभी मैं इनसे पूछ रहा था कि ये कहाँ से फ्रूट लेके आते हैं, ये डेली सुबह मंडी में जाके वहाँ से फ्रूट भी लेके आ रहे हैं। तो ये मिसाल है उन लड़कियों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम काम नहीं कर सकते, या उन लड़कों के लिए, या उन लोगों के लिए जो अपने घर के अंदर और एक बहाना लगा के बैठ जाते हैं कि यार हमें काम नहीं मिल रहा, हमें रोजगार नहीं मिल रहा। ये बहन जो है उन सब के लिए, उन सब यूथ के लिए मिसाल है। अच्छा आपने कहा था कि मैंने बहुत ज्यादा दुआएं की थी, आपकी दुआएं कबूल हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बिल्कुल, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि मेरी दुआएं शायद कबूल नहीं हो रही, अल्लाह ताला मेरे से नाराज है, ऊपर वाला नाराज है, तो अल्लाह का शुक्र है जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट डे रेडी, मगर दिल में ना एक अच्छी वाइब थी मुझे, मतलब वो नहीं था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, ये था कि जो होगा अच्छा होगा बस, फिर अल्लाह ने सारे रास्ते खोल दिए मेरे लिए। लेकिन मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ आप सब मीडिया वालों की, क्योंकि सबसे पहले आप लोग मेरे पास पहुँचे थे, उसके बाद सारे अवाम आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, वो दूसरे सर आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। अब मैं नाम तो नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मुझे इतने नाम ही नहीं याद रह रहे, थापा सर का थोड़ा वो मतलब शॉर्ट उसका मुझे आ जाता क्योंकि वो दिन में 5-10 बार मेरे पास आते ही आते हैं, तो उसका नाम थोड़ा मेरी जुबान पे बहुत जल्दी आते हैं। और हम इस चैनल के माध्यम से हम थापा सर को भी बहुत बहुत मुबारकबाद हमें देना चाहेंगे कि थापा साहब ने आज तक यहाँ के लिए, पहले भी जिस वक्त उनकी ड्यूटी थी उस ड्यूटी के दौरान भी थापा साहब ने यहाँ पे बड़ा अच्छा काम किया, और थापा साहब ने ये प्रूव करके दिखाया, इंसानियत जो है ना वो प्रूव करके दिखाई है इस बहन की मदद करके। और शुक्रगुजार हैं आपके चैनल का भी, आपके चैनल के माध्यम से जो आप ऐसी आवाज़ को सामने लेके आते हो, ताकि अगर आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ें लोगों के सामने आती हैं, लोग उनकी हेल्प करने आते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा समाज का काम है। सबसे बड़ी इंसानियत यही है जो आप लोग कर रहे हो, ये भी बहुत बड़ी जो है ये समाज के लिए, और आपके ऑनर जो हैं उनको, अपने महाजन साहब को भी हम थैंक्स करना चाहेंगे कि जो आपको प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं, और जिन्होंने इतनी अच्छी टीम रखी जो लोगों के मसले हैं सामने। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आए हैं, इनका नाम अमित कपूर है, ये भाई आपके पास आए हैं, तो इन्होंने आपको फ्यूचर दिए भी कॉन्टेक्ट जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर का। लेकिन जो ज़रूरत मुझे पड़ती है वो लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये आप लोग आते हैं मेरे पास तब लोगों को पता चलता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, तो मेरी सपोर्ट हो जाती है। अच्छा अल्लाह का इतना शुक्रिया करते हैं बहुत ज़्यादा, मैं अल्लाह की मतलब मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं कैसे शुक्र करूँ रब का कि उसने मेरे साथ में क्या कर लिया। एक सवाल है मेरा खास करके औरतों के लिए, जो लोग आते हैं इज्जत से बात करते हैं? बिल्कुल सारे इज्जत से बात करते हैं। हाँ जो एक नंबर मेरा सोशल मीडिया पे डाला हुआ है, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बदतमीजी करते हैं, मैं उनको बताऊँगी कि आप भी माँ बहन वाले हैं, क्या ही बताऊँ उन लोगों के लिए, अगर वो माँ से जने होते ना तो वो बदतमीजी से बात नहीं करते। मुझे लगता है कि उनके माँ बाप ने थोड़ी तरबियत में कमी रखी हुई है, इसलिए वो किसी की बहन बेटी को ऐसे बोलते हैं। बहुत सारी औरतें मुझे फ़ोन कर रही हैं और वो रो रही है मेरे सामने, बोलती हम कुछ नहीं कर पाते हैं, आपने जो कर दिखाया हमें एक हौसला मिला है। लेकिन जो फजूली
मैं फोन करके तंग करते, भाई मुझे मत फोन किया करो, मैं यहाँ पे बिजी होती हूँ, काम करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगी, फोन अटेंड करती रहूंगी तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा। मैं कोई किसी से कोई पैसा नहीं मांग रही हूँ, कोई डिमांड नहीं कर रही हूँ, जो आ रहा है वो अपनी मर्जी से अपनी खुशी से यहाँ पे दे रहा है। मेरी तमाम उन लोगों से गुजारिश है, ये बहन काम करने आई है, इन्हें काम करने दें, आपसे पैसे नहीं मांग रही, ना ही इन्होंने कहा कि आप मुझे पैसा दें, ये जूस बेच रही है उसके बदले में आप जूस पीते हैं तो पैसा देते हैं। आप भी एक माँ के बेटे हैं, आप भी किसी बहन के भाई हैं, आपकी भी बहनें होंगी, तो इनको इज्जत दें। ये नहीं है कि इन्होंने जूस कार्ट शुरू किया तो आप इनको इज्जत से बात ना करें, हर किसी का हक है इज्जत, और सबसे पहले अगर आप किसी को इज्जत दे रहे हैं इसका मतलब आप ऊपर वाले को इज्जत दे रहे हैं, तो आप इस बहन को इज्जत नहीं दे सकते हो। आपको बिल्कुल किसी ने हक नहीं दिया कि आप बदतमीजी से बात करें, तो फिलहाल के जितने भी लोग हैं वो इन्हें इज्जत दें। मैंने पहले ही कहा था आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपके घर पे माँ बहन बेटी होगी, तो इन्हें भी वही समझे और इज्जत से बात करें। शहनाज बाजी हैं, लोगों ने बहुत मदद की है, सबका शुक्रिया अदा करती हैं और तमाम अपडेट्स के लिए, और आगे भी हम इनसे मिलते रहेंगे, लेकिन इज्जत जरूर दें।